हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट माय हॉबीज़। तो आज हम ब्लाउज से नाप लेकर के ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो चलिए फिर हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लाउज का शोल्डर है 10 इंच, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब हमने लेंथ मेजर करना है। लेंथ है 30 + 1/2 इंच, तो 13 + 1/2 इंच, तो इसमें 1 इंच हमको बढ़ा के रखना है। ये जो ब्लाउज है इसको 1 इंच हमको बढ़ा के सिलना है, तो इसलिए हम यहाँ पे 15 रखेंगे। 1 इंच इसमें ऐड होगा और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए रखेंगे हम। अब हमने चेस्ट मेजर करना है, तो यहाँ पे चेस्ट आ रहा है 10, तो यहाँ पे होगा 40, तो यहाँ पे 40 हम लिख लेते हैं। अच्छे से ब्लाउज को रख करके और फिर हमने मेजर करना है, और यहाँ से हम स्लीव्स का लेंथ लेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई है 6 + 1/2 इंच, और जो इसकी चौड़ाई है 5 + 1/2 इंच, तो यहाँ पे चौड़ाई 5 + 1/2 इंच यहाँ पे लिख लेते हैं, हम नोट कर लेते हैं। और ये हमारा जो नाप है इसी के हिसाब से हमको कटिंग करनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको ऐसे फोल्ड करना है 2 फोल्ड, उसके बाद हमको 2 फोल्ड के बाद फिर एक बार और फोल्ड करना है, तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। और इसको अच्छे से बिछा करके रख लेना है और फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 फोल्ड हो गया मेरा कपड़ा। और फिर यहाँ पे मार्क करनी है, तो हमारा शोल्डर था 10 इंच, तो यहाँ पे 5 इंच पे हमको मार्क कर लेनी है। और फिर हम नीचे लेंथ मेजर करेंगे, तो लेंथ हमको तैयार लेंथ 14 + 1/2 इंच चाहिए, प्लस इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पे हमने एक मार्कर लेनी है जिससे हमारी लाइनिंग अच्छे से आए। यहाँ पे हम आर्म होल के लिए 6 इंच पे एक मार्क करेंगे और फिर इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। यहाँ पे हमारा वेस्ट है 32 का 4 पार्ट हुआ 8 + 1/2 इंच, तो यहाँ पे 8 + 1/2 इंच, और उसमें हम 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। यहाँ पे भी हम 2 इंच पे एक मार्जिन कर देते हैं और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए हमको 1/2 इंच आगे की तरफ रखना होता है, और यहाँ से 1 इंच हम गोलाई मार के लिए, और बैक के लिए यहाँ से 1 इंच के लिए हम रख लेते हैं गोलाई मार्क, और इसको इस तरह से कुछ इस तरह से हम मिला देंगे। अब हमने यहाँ पे नेक का विड्थ लेना है 2 इंच, और नीचे हम 7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमको 7 इंच पे एक मार्क कर लेनी है और इस मार्क को हम ऐसे मिला लेंगे, और फिर इसमें हम 1/2 इंच का एक गोलाई मार्क दे देंगे। यहाँ से हम नीचे 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और फिर इसके नीचे हम 2.5 इंच पे एक और मार्क कर लेते हैं। यहाँ से हमने 1.5 इंच ऊपर रखना है और एक मार्क करेंगे।
यहाँ से हम ऊपर से 10 इंच पे एक मार्क कर लेते हैं और फिर इस लाइन को हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम 2 इंच पे एक मार्क करेंगे, ये हमारी 2 डॉट्स तैयार है। और यहाँ से हम मेजर करेंगे 2 इंच पे और यहाँ पे फिर एक मार्क कर लेते हैं डॉट के लिए। कुछ इस तरह से हमने 4 डॉट तैयार कर लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। अब हमने फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से अपने हाथ से प्रेस करनी है, फिंगर को ऐसे दबाते हुए हमको प्रेस कर लेनी है जिससे इसका जो भी लाइनिंग है इस पार्ट पे भी आ जाए। और फिर इसको हमको डार्क कर लेनी है। अब हमने इसको रख करके और फिर जो हमने फ्रंट के लिए गोलाई मार्क किया था इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है और लाइनिंग को फिर रख करके और कपड़े पे फिर हमको कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अभी हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स के लिए हमको 6 प्लस हाफ इंच चाहिए तैयार लेंथ। और यहाँ पे हम 1/2 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इधर भी हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। यहाँ से हमने 3 इंच पे एक मार्क किया हुआ है और यहाँ से हमारी जो चौड़ाई थी स्लीव्स की 5 प्लस हाफ इंच और यहाँ से हमने 6 प्लस हाफ इंच पे एक मार्क कर लिया है। 1 इंच हमको बढ़ा के रखना होता है। यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क कर देनी है और इस लाइन को ऐसे मिला लेनी है। यहाँ से 1 इंच आगे की तरफ रखनी है और यहाँ से भी और इस लाइन को ऐसे मिला के रखनी है और यहाँ पे 1/2 इंच आगे की तरफ ऐसे शेप दे देना है। फिर इसकी हमको कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हमने सिलाई करनी है। तो चलिए फिर हम इस ब्लाउज की सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को लाइनिंग से अटैच करके रखना है और इस पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई बैक पार्ट की और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देना है। अब हमने फ्रंट पार्ट को ऐसे ही रख के और इस पर भी एक सिलाई कर लेनी है।
ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अभी हमने नीचे वाला प्लेट्स लगाएंगे, तो यहाँ पे हम नीचे हाफ इंच का कपड़ा ऐसे फोल्ड करके और हम प्लेट्स लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने हाफ इंच का कपड़ा ऐसे मोड़ना है और ऐसे हमको प्लेट लगा लेनी है। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई। ऐसे ही हमको दोनों बेल्ट को तैयार कर लेनी है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमारी बेल्ट लग चुकी है। अब हमने पट्टी अटैच करनी है। राइट साइड में आई बनती है और जो लेफ्ट साइड होता है उधर हमको हुक पट्टी लगानी होती है। तो यहाँ पे हम पहले हुक पट्टी अटैच करेंगे। अब हमने गले पे लगाने के लिए पट्टी तैयार करनी है। पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट की। तो पहले यहाँ पे हम लेंथ मेजर करेंगे। तो 14.5 इंच हमको लेंथ चाहिए था और यहाँ पे हमको बैक पे इतना कपड़ा छोड़ करके और बाकी का गला तैयार करना है। अब हमने स्लीव्स को तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे हाफ इंच छोड़ते हुए हमको सिलाई कर लेनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। लाइनिंग को हमको फैब्रिक पे, जो मेन फैब्रिक है उस पे अटैच कर लेनी है।
कुछ इस तरह से। तो दोनों पार्ट को हम ऐसे अटैच कर लेते हैं। हमारी दोनों बाजू तैयार है और हमें हाफ इंच का फ्रंट के लिए ऐसे शेप में हमको कटिंग कर लेनी है हाफ इंच का। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को तैयार कर लिया है, अब हमने पार्ट में अटैच कर लेनी है। तो हमने कुछ इस तरह से रखनी है और पूरे में हमको सिलाई कर लेनी है। तो चलिए फिर हम सिलाई करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी स्लीव्स जुड़ चुकी है। अब हमने दूसरे साइड भी ऐसे ही कर लेनी है। तो हमने ये करके रखा हुआ है। अब हमने पाइपिंग की जो पट्टी है उसको एक दूसरे से अटैच कर लेनी है और हमको सिल के तैयार कर लेने। तो यहाँ पे मैंने सिल के तैयार कर लिया है और हमको पाइपिंग लगानी है पार्ट में। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से मोड़ना है और ऐसे फ्रंट पार्ट का हिस्सा लेना है और उस पर ऐसे रख करके और सिलाई कर लेनी है। तो मैंने सिलाई करके रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। अब हमने छोटे छोटे कट्स लगाना है। तो ये देखिए मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है और इसको कुछ इस तरह से ऐसे मोड़ करके और फिर इस पर सिलाई कर देनी है जिससे हमारी पाइपिंग अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए फिर हम सिलाई कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी पाइपिंग कितनी अच्छे से बैठ गई है। अब हमने साइड पे भी सिलाई कर लेनी है और यहाँ पे मैंने देखिए जो 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको ऐसे करके रख लेना है और इस पर सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई कर लिया है और कुछ इस तरह से मेरी ब्लाउज रेडी है। तो ये देखिए ये बैक नेक है अच्छे से रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे हमको तुरपाई कर लेनी है। यहाँ से देखिए फ्रंट का ये हमने तैयार कर लिया है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही सिलाई से जुड़ी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।